दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित जन समस्या निवारण शिविर सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति और धरातल में कुछ नहीं। जहां शिविर में जिम्मेदार अधिकारियों की जगह प्लेसमेंट अधिकारी और पियून बैठे मिले। दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित जन समस्या निवारण पखवाड़ा शिविर में लोगों की जन समस्या सुनने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं, सिर्फ कागजों में दिखावा कर धरातल में कुछ भी नहीं है। इसका आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आयोजित स्वामी विवेकानंद सभागार में शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाने की बात कही, मगर वहाँ शिविर में कोई भी जिम्मेदार प्रभारी मौजूद नहीं मिला। एक दो जगह छोड़कर हम लोग तो आज 10 बजे से बैठे हैं, ना आपके नोडल का पता है, नोडल अधिकारी है नहीं 10 बजे से, है ना? आपको बता दें कि उस दौरान मीडिया टीम ने भी शिविर का अवलोकन किया, जहां लाइसेंस शाखा को संबंधित शिकायत के लिए प्रभारी जो खुद मौजूद न रहकर एक पियून को समस्या का निदान करने बैठा दिया गया। पियून तो आप बेड देख रहे हो, बोला गया आपको? इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जारी हुए निर्देश की प्रति दिखाते हुए निगम की लाचार व्यवस्था का बखान किया, जिसमें आज लगे शिविर में 9 वार्डों के साथ टोटल 14 स्थान को जोड़ा गया। साथ ही दुर्ग निगम के उच्च अधिकारी भी बिना जांचे इस तरह का आदेश निकाल देते हैं। यही नहीं, अभी दुर्ग शहर का परिसीमन तक नहीं हुआ है और निगम अधिकारी कर्मचारी अभी से दुर्ग निगम क्षेत्र में 60 वार्डों की जगह 65 वार्डों पर काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। इस संबंध में आपके नेताओं और निगम अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से विभाग के रेगुलर कर्मचारी बैठे हैं, जैसे राजस्व विभाग के रेगुलर कर्मचारी बैठे हुए हैं और सफाई विभाग से भी सैनिटरी इंस्पेक्टर लोग बैठे हुए हैं और आपका जो भवन विज्ञा शाखा है वहाँ से भी बैठे हैं ये लोग, और जो आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड जो महिला बाल विकास वाले भी सब बैठे हैं, और आपको देख रहे होंगे आप स्वास्थ्य विभाग के लोग भी जो NAM है सब, वो प्लेसमेंट तो कर्मचारी है नहीं, वो तो सरकारी कर्मचारी है। लाइसेंस विभाग से, हाँ लाइसेंस विभाग में वो प्लेसमेंट कर्मचारी को बैठाया गया है और संबंधित विभाग के प्रमुख को बोल दिया गया, बता दिया गया, अवगत कराया गया है। नहीं आया था थोड़ी देर पहले, उनके इंजीनियर बैठे थे और थोड़ी देर पहले वो गए हैं इंजीनियर। आज की नगर निगम मुख्यालय में भी मीटिंग चल रही है इंजीनियर लोग की, तो सब इंजीनियर वहाँ पर उपस्थित होने के कारण यहाँ अभी उपस्थित नहीं है। अब शिविर तो पूरा सही तरीके से चल रहा है और यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, उनके आवेदनों पे निराकरण भी हो रहा है, जैसे राशन कार्ड के PDF है, राशन कार्ड और पेंशन के प्रकरणों में, और आपका जो आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड का तुरंत कार्रवाई, तुरंत निराकरण हो रहा है। नहीं, शिविर के प्रभारी मैंने बताया ना अभी आपको, जो जो नोडल अधिकारी हैं हमारे दिनेश नेताम साहब, वो चूँकि अभी इंजीनियर्स लोग की मीटिंग है और थोड़े देर बाद में कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में CM साहब भी आज BIT आने वाले हैं और राज्यपाल महोदय का भी दौरा कार्यक्रम है, तो उसमें व्यस्त नहीं, सवेरे आके जा चुके हैं, उन लोग सवेरे आए थे, शिविर जब स्टार्ट हुआ तब उपस्थित होकर वहाँ से गए हैं सब यहाँ से, और शिविर सुचारू रूप से चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा तामझाम करके बताया जा रहा है कि वार्डों का शिविर लगाया जा रहा है, जनता की समस्याओं को हल किया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आयुक्त महोदय ने एक आदेश जारी किया है, ठीक है, दुर्ग में 60 वार्ड हैं लेकिन 65 वार्डों का यहाँ पे आदेश जारी हुआ है, ठीक। यहाँ पे अभी विवेकानंद भवन में 14 वार्ड
इसमें लिखे हुए 14 वार्डों का शिविर लगा है जबकि 9 वार्ड का लगा हुआ है। तो आयुक्त तो जब ऐसे दस्तावेजों पर सिग्नेचर करे तो उनको तो निलंबित करना चाहिए, नोडल अधिकारी को निलंबित करना चाहिए। ऐसे फर्जी आप आदेश निकाल रहे हो तो उससे आप ये सोचो कि शिविर की कितनी गंभीरता है। टेबल खानापूर्ति हो रही है, हमने हर टेबल पे जाके इंक्वायरी की है, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, महिला श्रम विभाग, पेयजल विभाग, विद्युत, और हर जगह हम लोग जाके पता किए हैं, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। केवल खानापूर्ति हो रही है, केवल रसीद बांटी जा रही है और काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कि इवन जो महिला बाल विकास विभाग से, आंगनबाड़ी से सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाकर बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग, आंगनबाड़ी कार्य को जहाँ पे उनको बच्चों की देखभाल करना चाहिए वहाँ छोड़ के वो लोग यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इस कंडीशन में ये होना चाहिए कि काम हो, यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, जनता आ रही है, यहाँ पे सबका काम होना चाहिए। हम इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं, सबका सबसे बात कर रहे हैं हम लोग, किसी का काम नहीं हो रहा, इसके बाद रसीद दी जा रही है कि आपका काम हो जाएगा। आज का जो ये शिविर था ये 10 बजे से प्रारंभ हुआ शिविर है। आम आदमी पार्टी के तमाम दुर्ग शहर के सदस्य 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं निगरानी करते हुए, और हम यह देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि शिविर के आड़ में जो है, इस शहर में जो है, पेपरों में विधायक और महापौर जी और पार्षदों की फ़ोटो छप रही है। शिविर में सभी नदारद हैं, न नोडल अधिकारी का पता है, नेताम जी नोडल अधिकारी हैं, न किसी जिम्मेदार अधिकारी का पता है। हमने पूरी जांच की, एक एक टेबलों में गए, टेबलों में जाने के बाद ये है कि पूरे प्लेसमेंट के कर्मचारी बैठे हुए हैं, प्यून बैठे हुए हैं, जिम्मेदार अधिकारियों का कहीं कोई पता नहीं है। शिविर के आड़ में शहर की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शासन जो इनको वो दे रहा है। और सबसे बड़ा जो मजाक ये कर रहे हैं शासन के आड़ में, ये एक संशोधित आदेश जारी किए। इस आदेश में दुर्ग शहर में 60 वार्ड है, 65 वार्ड का आदेश जारी किए हैं, 5 वार्ड ही अपने मन से क्रिएट कर लिए हैं। आज दुर्ग शहर में वार्ड 41, 42, 43, 44, 9 वार्डों का शिविर है, ये 14 वार्ड का शिविर बता रहे हैं कागजों में। रोज समाचार पत्रों से, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को टीवी में देखने से ये लगता है कि शिविर अनवरत शहर में चले आ रहा है और निराकरण होते जा रहे हैं, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, ये योजना का लाभ दिया जा रहा है। हम लोग 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक हितग्राहियों से मिल रहे हैं, एक एक शिकायतकर्ता से मिल रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। शिविर के नाम पर सिर्फ भद्दा मजाक है जनता के साथ, ऐसा मजाक जो है इसके आने वाले समय में इसका भुगतान जनता करेगी। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।